हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महाशिवरात्रि पर उन्नाव शहर सहित अन्य स्थानों पर निकाली गई शिव शोभा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। शोभा यात्रा में सैकड़ों झांकियां शामिल रही। जिले के सभी आम और खास भगवान भोलेनाथ के बराती बहन यात्रा में शामिल हुए। सुबह 10 बजे से ही शहर के अलग अलग हिस्सों से बरातें निकलना शुरू हो गई थी। हिंदू जागरण मंच की शिव बारात आवास विकास के वृंदावन गार्डन से गाजे बाजे और भोले के जयकारों के साथ शुरू हुई। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी भगवान शिव की भक्ति में डूबे दिखे। भगवान शिव का जयकारा लगाने में वो सबसे आगे रहे। हिंदू जागरण मंच की यात्रा में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत भी शामिल हुए। यात्रा के थोड़े आगे बढ़ते ही उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता भी यात्रा में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाया। दोपहर 1 बजे तक जिले की कई यात्राएं IVP चौराहे पहुंच चुकी थी, जिसके बाद यात्रा का शुभारंभ DM रविंद्र कुमार, SP आनंद कुलकर्णी और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने गणेश पूजन व आरती कर किया। इसके बाद यात्रा शहर भ्रमण के लिए निकली। शिव शोभा यात्रा में जिले भर से 300 झांकियां शामिल हुई। इनमें भगवान शिव पार्वती, कृष्ण राधा, माँ दुर्गा, सुदामा चेत, श्री राम, सीता, भगवान गणपति, काली, तांडव नृत्य सहित अन्य झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। श्री पार्वती व राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं हिंदू युवा वाहिनी ने हजारों भगवा ध्वजों के साथ बाइक रैली निकाली। इस शोभा यात्रा में RSS के विभाग प्रचारक आलोक कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत भी शामिल हुए। वहीं उन्नाव के बीघापुर बेबलेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता रहा। अभी आम और खास यहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े दिखे। बीघापुर प्रथम से जिला पंचायत प्रत्याशी निशु शुक्ला और संजय शुक्ला ने भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में हजारों कांवरियां गंगा जल लेकर पहुंचे थे। लोधेश्वर में भीड़ का आलम यह था कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। जहां आने वाले भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। कहां से आ रहे भैया आप लोग? हम लोग कितने टाइम से लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? 11 घंटे हो गए। 12 घंटे हो गए। 12 घंटे उन्हें लाइन में लगे हुए हैं। 10 तक अभी नहीं हो पाए? नहीं सर। अच्छा, 10 घंटे चलते रहो भाई। उन्नाव से संवाददाता लक्ष्मी चंद के साथ बाराबंकी से रौनक सिंह, यू न्यूज़।